आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. इसराइल और हमास के बीच संघर्ष की धार और तेज है. राजस्थान के पर्यवेक्षक के रूप में विनोद तावड़े का चुनाव. विवादास्पद फिल्म का विवाद संसद तक पहुंच गया. पार्षद पर हमले के मामले में जांच के बाद कार्रवाई का फैसला. श्री पंतवाड़ा परिसर दीपोत्सव से जगमगा उठा. खानापुर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में लाखों रुपए की सामग्री जब्त. विधानसभा अध्यक्ष खादर ने बिशप फर्नांडिस से की मुलाकात. संगोली रायना क्रेडिट सोसाइटी के जमाकर्ताओं का आंदोलन. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, ते ही सर्वात कमी किमती. बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89. और प्राइजेस सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेळगावी. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. अब समाचार विस्तार से. गाजा में हमास और इसराइल के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के ईरान समर्थक हिजबुल्ला समूह को बड़ी धमकी दी है. नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्ला को इसराइल के साथ तीसरा लेबनान युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा की तरह बना देंगे. नेतन्याहू ने खुली धमकी दी है. उनका बयान ऐसे वक्त आया है जब हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल हमला किया है. हमले में 60 साल के एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई. इसके बाद से हिजबुल्ला के समर्थक हमास के समर्थन में हमले कर रहे हैं. ऐसे में नेतन्याहू ने सीधे तौर पर उन्हें धमकी दी है. नेतन्याहू ने ऐसा कहा है, हम जीत के लिए प्रतिबद्ध है, इजरायली सेना के मदद से हम युद्ध जीतेंगे. ऐसी सीधी धमकी नेतन्याहू ने दी है. राजस्थान के पर्यवेक्षक के रूप में विनोद तावड़े का चुनाव. हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इन 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी को बहुमत मिल गया है. बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है. तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है. तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता स्थापित कर ली है. बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, सरोज पांडे को राजस्थान पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. विवादास्पद फिल्म का विवाद संसद तक पहुंच गया. विवादित फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर लगातार विपरीत प्रतिक्रिया आ रही है. एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, दीप्ति डिमरी, अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म से कुछ विवाद भी खड़े हो गए हैं. इस तरह इस फिल्म का विवाद अब सीधे संसद तक पहुंच गया है. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि मेरी बेटी फिल्म के बीच में थिएटर छोड़कर चली गई. रंजीत रंजन ने कहा, सिनेमा समाज का दर्पण है, हम भी बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं, लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं उनका युवाओं पर गंभीर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि कबीर सिंह, एनिमल, पुष्पा जैसी फिल्मों से युवा क्या सीखेंगे. साथ ही फिल्म एनिमल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को दिखाया गया है. उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि इसमें हिंसा को भी बड़े पैमाने पर दिखाया गया है.
पार्षद पर हमले के मामले में जांच के बाद कार्रवाई का फैसला। बीजेपी कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर हमले के मामले में दर्ज पुलिस शिकायत में कहीं भी हथियार का जिक्र नहीं है। इसी तरह पार्षद अभिजीत जवलकर के मामले में अस्पताल से डिस्चार्ज रिकवरी की जानकारी मिली है। हालांकि दोनों मामलों में भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच के बाद आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, गृह मंत्री ने कहा। परमेश्वर ने विधानसभा में बोलते हुए ऐसा कहा, इस वक्त बीजेपी सदस्य बैठक से बाहर चले गए। विधायक अभय पाटिल ने अभिजीत जबलकर मामले में तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने की मांग की। इस पर गृहमंत्री परमेश्वर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि दोनों मामलों की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इस समय विधायक अभय पाटिल ने कुछ देर के लिए अध्यक्ष के आसन के सामने धरना दिया। श्री पंतवाड़ा परिसर दीपोत्सव से जगमगा उठा। गुरुवार शाम को श्रीपंत महाराजवाड़ा में सैकड़ों भक्तों द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यमुना का पंत भक्त मंडल द्वारा दीपोत्सव का शुभारंभ भक्तिभाव से श्री पंत महाराज के आरती एवं भजन से किया गया। इसमें इलाके के श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर सौ यमुना का पंत भक्त मंडल के अध्यक्ष सुनंदा किलेकर की ओर से महाआरती की गई। इसके बाद तीर्थ प्रसाद का वितरण किया गया। श्रीपंतवाड़ा में और क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया। शाम को श्रद्धालु द्वारा जलाए गए दीपों से मंदिर परिसर जगमगा उठा। खानापुर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में लाखों रुपए की सामग्री जब्त। खानापुर पुलिस ने चोरी के दो मामलों का खुलासा किया है। चोरी के एक मामले में 2,25,000 रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। एक अन्य मामले में चोरी की गई 40,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार एक मामले में खानापुर से अलनावर तक बस से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने वैनिटी बैग में रखे 2,25,000 रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए। खानापुर पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों की पहचान की और तीन महिला आरोपियों नीता शंकर लोंडे, रूपाली रवि काले, मेघा नामदेव जादव को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से उपरोक्त चोरी के आभूषण बरामद किए। विधानसभा अध्यक्ष खादर ने बिशप फर्नांडिस से की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मंगलवार को बेलगाम के बिशप डॉक्टर डेरेक फर्नांडिस से मुलाकात की और उनके मानवीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने ईसाई संगठनों को इस काम के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का वादा भी किया। फर्नांडिस ने विधानसभा अध्यक्ष खादर को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर डायसिस के विकार जनरल फादर फिलिप कुट्टी, सचिव क्लारा फर्नांडिस, डायसिस जनसंपर्क सचिव लुइस रोड्रिक्स, फादर प्रमोद कुमार, फादर मैक्सिम डिसूजा और अन्य उपस्थित थे। संगोली रायना क्रेडिट सोसाइटी के जमाकर्ताओं का आंदोलन। क्रांतिवीर संगोली रायना और भीमांबिका क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों का पैसा सरकार वापस दिला दे, ऐसी मांग इन दोनों सोसाइटी के इन्वेस्टर्स एसोसिएशन ने की। इस मांग को लेकर सदस्यों ने हलगा में विरोध प्रदर्शन किया। बयान में कहा गया है कि क्रेडिट संस्थान के अध्यक्ष आनंद अपोगोल और प्रेमा अपोगोल ने हजारों निवेशकों को धोखा दिया है। ये क्रेडिट संस्थान 2017 से बंद है, इसलिए पिछले 5 वर्षों से निवेशक वित्तीय मुसीबत में है। मांग की गई कि सरकार इन दोनों की संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। एडवोकेट नितिन सिंह राजपूत द्वारा नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज हुंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज हुंडा डियो स्कूटर, तीसरा प्राइस
50 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेलगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेलगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेलगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कित्तूरानी चन्नम्मा ने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता। उनके ऐतिहासिक जीत का जश्न 2024 में द्विशताब्दी का प्रतीक होगा, इसलिए केंद्र सरकार को इस जीत को अगले साल राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही इस जीत की स्मृति में बेलगाम हवाई अड्डे का नाम कित्तूरानी चन्नम्मा हवाई अड्डा रखा जाना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में रानी चन्नम्मा की छवि वाला सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए, ऐसी मांग राज्यसभा सांसद इराना कटारी ने की। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी सेनानियों में वो पहली भारतीय महिला थी। बीजेपी सांसदों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पार्टी के अध्यक्ष विजयेंद्र ने निर्देश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को बेलगाम और धारवाड़ जिले के विभिन्न स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए विशेष निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विजयेंद्र एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अनुभव सुनाए, साथ ही उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों से भी चर्चा की। बेलगाम में उपभोक्ता आयोग की बेंच जल्द स्थापित होगी। इससे पहले उपभोक्ताओं और व्यापारियों को जिला उपभोक्ता न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए बेंगलुरु पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो जाएगा और कर्नाटक राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की स्थायी पीठ बेलगाम में शुरू हो जाएगी। 2019 से लोक निर्माण विभाग बेंच शुरू करने के लिए जगह तलाश रहा था, लेकिन कोई जगह नहीं थी, इसीलिए कैंप स्थित BSNL भवन की पहली मंजिल लीज पर ली जाएगी। नंदिनी दूध के दाम बढ़ने की संभावना। कर्नाटक सरकार बढ़ती उत्पादन लागत से पीड़ित किसानों का समर्थन करने के लिए नंदिनी दूध की कीमत बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने इस विषय पर जानकारी दी। सरकार ने इससे पहले अगस्त में नंदिनी दूध की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद संभावित दूसरी दर वृद्धि के बारे में सदन को जानकारी दी। सभी दलों के सदस्यों ने इस अभियान का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की, अगर इससे किसानों को मदद मिलेगी। अगस्त में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नंदिनी दूध की कीमत ग्रेड के आधार 42 रुपए से 48 रुपए है। सम्मेलन के नाम पर सहकारी समितियों की लूट। कर्नाटक विधानमंडल सत्र के नाम पर उपपंचायत कार्यालय सहकारी समितियों को लूट रहा है। हर सोसाइटी से 5 से 20 हज़ार रुपए तक की अवैध मांग की गई है। इसे संस्थान प्रबंधन कड़ा रोष व्यक्त कर रहा है। बेलगाम में विधानमंडल सत्र शुरू हो गया है और ये 15 दिसंबर तक चलेगा। इस कन्वेंशन के नाम पर उप रजिस्ट्रार बेलगाम क्षेत्र में सहकारी समितियों को कार्यालय के कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी सोसाइटी अध्यक्ष या सचिव को फोन कर 5 से 20 हज़ार रुपए तक की अवैध मांग कर रहे हैं। इस लूट के खिलाफ संस्था प्रबंधक कड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। DCC बैंक KMF में आरक्षण उपलब्ध की सूचना। यदि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र KMF DCC बैंकों में आरक्षण लागू करना चाहिए। SC ST कमेटी ने सरकार से इसकी सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष सदस्य PM नरेंद्र स्वामी ने इस संबंध में विधानसभा में रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर नंजू दपा की रिपोर्ट पुरानी है। अब राज्य के 7 जिलों में SC ST लोगों की संख्या बढ़ गई है। उनकी जनसंख्या आधारित योजनाओं और अन्य रियायतों में सुधार की जरूरत है। इन लोगों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसे मंजूरी देने की जिम्मेदारी के संबंध में इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई, ऐसा उन्होंने बताया। किराएदार को जय किसान में व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया।
एपीएमसी में सब्जी मंडी बंद होने के कारण कुछ व्यापारियों ने गांधीनगर की जय किसान सब्जी मंडी में किराएदार के रूप में शरण ली। हालांकि बाजार कार्यकारी ने किराएदारों को व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। नए व्यापारियों पर इसकी बहुत मार पड़ी है। नोटिस जारी कर मूल व्यापारियों को नोटिस देकर किराएदारों को परेशानी में डाल दिया है। अब एपीएमसी में व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। एपीएमसी में व्यापार में गिरावट के बाद कई व्यापारियों ने जय किसान सब्जी मंडी के व्यापारियों से सलाह ली और वहां किराएदार के रूप में व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि वह पिछले कुछ दिनों से व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।